Hello students, good morning to all. Today we will start with our next topic, that is organ specific and tissue specific manifestation. अब सबसे पहले तो manifestation ही meaning पता होना चाहिए. What is the meaning of manifestation? Okay, so what is manifestation? To find out that is something is going on, something is happening. Okay, sign of something happening. कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर ये पता चले, ठीक है, दैट इज मैनिफेस्टेशंस. ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन में क्या हो रहा है, व्हाट आर द, यू कैन से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक यू हैव स्टमक, यू हैव लंग्स, यू हैव बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो. तो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ये पता लगाना कि किस तरीके से बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं. फर्स्ट वन, स्पीशीज एंटर द बॉडी. बॉडी के अंदर कोई स्पीशीज, किसकी स्पीशीज, यू कैन से पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी स्पीशीज टिश्यूज और ऑर्गन्स में एंटर हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगाना. वो कहां से एंटर हुई है, यू कैन से इट कैन बी फ्रॉम एयर टू द लंग्स. अगर एयर से एंटर हुई है तो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, तो आपके लंग्स अफेक्ट होंगे. ये बहुत ही मेजर एक पॉइंट है. अगर आपको ये पता लग गया, यू विल कम टू नो दैट कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में यू कैन से एयर के थ्रू है, तो एयर के थ्रू हो रही है, इट मींस आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके लंग्स जो है अफेक्ट होने वाले हैं. लंग्स विल बी अफेक्टेड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज माउथ. अगर माउथ के थ्रू गई है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू गई है, तो लंग्स अफेक्ट होंगे. माउथ के थ्रू भी जा सकती है एयर वैसे. अगर माउथ के थ्रू गई है तो माउथ से आपका फूड पाइप आती है. फूड पाइप का मतलब है लाइक ईसोफेगस, ठीक है. तो आपके गट गट अफेक्टेड होगा. गट का मतलब है योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, जो आपके आते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, दीज आर द डिफरेंट बॉडी एलिमेंट्री कैनाल जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा, ठीक है. उसके अंदर जो पेट में दर्द होना, इन एब्डोमेन पे जो आपकी नाभि होती है, वहां से वहां पर धीरे, मतलब खाना गलत खाया है तो वो आपकी एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है. आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा. एयर इन्फेक्टेड है वो लंग्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है. कोई स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स अफेक्ट होंगे, उसका स्टमक अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट वन इज लाइक मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट. जो मलेरिया है वो मॉस्किटो बाइट से फैलता है, और वो किसके अंदर एंटर करता है, सबसे पहले हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसीज के अंदर एंटर करता है. तो अगर किसी पर्सन को मॉस्किटो बाइट किया है, अगर मॉस्किटो ने बाइट किया है, तो मॉस्किटो के थ्रू सबसे पहले पर्सन के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम जाएगा. प्लाज्मोडियम क्या बताया था, इट इज अ पैथोजन दैट कॉजेज मलेरिया. तो उसके बॉडी के आरबीसीज में यू कैन से ब्लड के अंदर जो है एंटर होगा, फिर ब्लड के बाद सॉरी आरबीसीज के बाद लीवर के सेल्स के अंदर जाता है, लीवर के सेल्स, ठीक है, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं हम. तो ये एक साइकिल है जो वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स के अंदर कंप्लीट करता है, और फिर लीवर से फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है, फिर मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम अपनी, ठीक है. एक एक और डिजीज है, दैट इज जैपनीज इंसेफेलिटिस, दैट इज ब्रेन फीवर.
दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर क्या होता है, वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। किसके थ्रू? मॉस्किटो बाइट। और बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? ब्रेन को। देखो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। सी हियर लंग्स, सी हियर एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट सिस्टम, हियर इज द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड द लीवर, देन ब्रेन। ओके नेक्स्ट वन हमें देखना होगा, अगर बॉडी के अंदर एनी ऑफ द स्पीशीज, एनी ऑफ द पैथोजन और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है, तो आपकी बॉडी के अंदर वेरियस साइंस और सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। देर मे बी हेड एक, देर मे बी फीवर, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स जो है ऑब्जर्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। देर मे बी हेड एक, देर मे बी फीवर, देर मे बी रेडनेस और इचिंग, ठीक है। तो वेरियस प्रॉब्लम्स यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। तो साइन और सिम्टम्स ये बता देते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ एंटर हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर बॉडी। ओके थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।